सही रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। मुझे छोड़ के जाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल की दुखाने के लिए स्वागत है अमिताभ सिंह जी आपका। तो सभी शेर पेश नहीं करूंगा आज, एक एक दो दो शेर हर गजल के पेश करूंगा क्योंकि काफी आपकी फरमाइशें हैं। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे 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 तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश सही, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए लिए रंजिश सही, दिल की दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जा।
जाने के लिए आ रंजशी सही। माना के मोहब्बत का छिपाना है मोहब्बत, छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए चुपके से किसी रोज जताने के दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजशी सगी रंजशी सगी। बहुत शुक्रिया। तो सबका नाम तो ले नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि गाते गाते ऊपर जाते जा रहे हैं नाम। नितिन कटरारे जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। कई साल हो गए आपसे मिलके, करीब करीब 20 साल, 15 साल तो हो ही गए। अखिलेश कुमार जी, शरद जी, मीर पटेल जी, शुक्रिया जयश्री तिवारी। यमन कल्याण की बात चली है, सुर लगे हैं और शाम का वक्त है, तो एक अपनी गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं। कुछ साल पहले एक एल्बम आया था गुरबत, जिसे टाइम्स म्यूजिक ने रिलीज किया था, उससे ये गजल है, खुशी साहब की लिखी हुई। मतलब यूं है कि तू क्षमा बन, तू क्षमा बन, मैं हवा हो जाऊं। तू क्षमा बन, मैं हवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं। अमर जोशी जी, दीपक जी, चैतन्य जी, भानु प्रताप जी, हम भी गुजर गए, ये भी सुनाऊंगा जरूर।
अपनी शुक्रा दे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तू क्षमा बन मैं हवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं। तू क्षमा बन मैं हवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं। इतनी कुर्बत के धड़कने गिन लो, इतनी कुर्बत के धड़कने गिन लो, इतनी कुर्बत के धड़कने गिन लो, ऐसे लिपटों के कबा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं। चारू दत्त जीचकार जी, बहुत स्वागत है आपका। चारू जी का नागपुर में बहुत बढ़िया डिजिटल स्टूडियो है, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, परकशन बजाते हैं, अब तो पैड भी बजाते हैं। रफीक भाई अमरावती से जुड़े हैं, इनका बड़ा शानदार साउंड है, और अमरावती में जब भी कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो ज्यादातर इनका ही साउंड लगता है। ख्याल फुरकत का, फुरकत यानी जुदाई सेपरेशन, फिर ना आए ख्याल फुरकत का, फिर ना आए ख्याल फुरकत का, मैं तेरे घर पता हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं, मैं तेरे घर का पता हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं। तू क्षमा बन मैं हवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो जाऊं, तेरे हर गम की दवा हो। पूरी गजल आप सुन सकते हैं, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है कुर्बत ये एल्बम। भानु प्रताप जी आपकी फरमाइश भी जरूर सुनाऊंगा। शुक्रिया मनीष उपाध्याय जी, मनीष जी भी नागपुर के बहुत बेहतरीन संगीतकार हैं, कंपोजर हैं। हाल ही में उनका एक मराठी एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ है।
तो इलाना जी की फरमाइश की बारी है। कुछ साल पहले इसराइल में मैंने कुछ शोज किए थे, तो वहां पे उन्होंने मेरा एक शो अटेंड किया था और आज हमारे साथ में जुड़ी है। तो फिर प्रेम गीत से उनकी फरमाइश है जगजीत जी की। मेरा गीत अमर कर दो,
बन जाओ प्रीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। मनीष प्रसाद जी ये भी मेरे बचपन के दोस्त थे, स्कूल में भी साथ साथ थे, फौज में। फौज की बात हुई तो नवीन सिंह जी भी जुड़ गए। तो सेंट ज़ेवियर्स बोकारो से मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स जुड़े हैं। विनीत जोगानी जी, आईटी पार्क नागपुर से असिस्टेंट से, राजेंद्र चोपड़े नागपुर से, वो भी एक बेहतरीन गायक है, उनकी भी फरमाइश है। अमिताभ जी की एक फरमाइश आ रही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जगजीत जी की गाई हुई, तो इसको पहले पेश कर देता हूं एक दो शेर। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, रेखाओं से बात कर रहे हो।
करे वो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। प्रताप जी, आप बहुत देर से फरमाइश कर रहे हैं, हम भी गुजर गए यहां कुछ पल गुजार के, रातें थी कर्ज की यहां, दिन थे उधार के। था वंस मोर, टी सीरीज ने इसको रिलीज किया था, तो उसी से कुछ फरमाइशें और आ रही हैं। कैसा मिला समंदर गजल पर मेरी, सचिन जी दुबई से ज्वाइन हुए, तो हम भी गुजर गए कि लगातार बहुत देर से फरमाइश हो रही है। पांडे साहब की लिखी ये गजल है, बहुत ही बढ़िया शेर है, जिन्होंने नहीं सुनी है वो ध्यान से सुने तो बहुत मजा आएगा। Thank you.
था रिश्ता तेरा मेरा। जैसे पुराना हार था रिश्ता तेरा मेरा। अच्छा किया जो रख दिया तूने उतार के। अच्छा किया जो रख दिया तूने उतार के। हम भी गुजर गए यहाँ कुछ पल गुजार के। तो जी हाँ, बागेश्वरी राग पर ही आधारित है। हासिल है गजल शेर है। दिल में हजार दर्द हूँ आंसू छुपा के रख। धनी सा मधनी धन मध मगर सा मधनी धन। दिल में हजार दर्द हो आंसू छुपा के रख। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल में हजार दर्द हो आंसू छुपा के रख। कोई तो कारोबार हो दिल में हजार दर्द हो आंसू छुपा के रख। कोई तो कारोबार हो बिन इश्तेहार के। कोई तो कारोबार हो बिन इश्तेहार के। दर्द को मेरी तलाश है। यहां भी गौर कीजिएगा, जाने क्यों दर्द को अब भी मेरी तलाश है। जाने क्यों अब भी दर्द को मेरी तलाश है। चिथड़े भी अब कहाँ रहे इसके शिकार के। चिथड़े भी अब कहाँ रहे इसके शिकार के। तो बहुत देर से फरमाइश हो रही थी इस गजल की, तो वंस मोर भी जिन्होंने ये एल्बम नहीं सुना है तो ये भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर
स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये गजल तो मैंने लाइव भी कई बार गाई है, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो जगजीत जी की भी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, तो बेहतर ये होगा कि एक अलग से जगजीत जी की शो का ही एक, जगजीत जी की गजलों का ही एक अलग से एक लाइव करते हैं कुछ दिनों में। तो राजेंद्र जी की एक फरमाइश थी बहुत पहले से, दोपहर कोई जो वीडियो किया था उसमें एक शेर उसका पेश करता हूं। कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी भी बन जाए मगर, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी भी बन जाए मगर, जोगी लाइव करेंगे तब बाकी और जो आपकी फरमाइश है वो पेश करूंगा। सचिन जी की और भी
एक दो लोगों ने किए अभी नाम याद नहीं आ रहा। शायर अजय पांडे साहब, ये गजल भी काफी लोग पसंद करते हैं आज भी। और आपको बता दूं, इस एल्बम को रिलीज हुए 10 साल हो गए, 10 साल या 11 साल हो गए, 2009 का एल्बम था। प्रवीण देहाड़ा, शुक्रिया। तो अनामिका जी भी जुड़ी हैं दुबई से, मेरी सिस्टर इन लॉ है। रागिनी जी, होठों से छूला तुम मैं गा चुका हूँ पहले ही। गुलाम अली साहब की भी फरमाइश है, इसके बाद सुनाऊंगा। तो ये जो आपकी फरमाइश है, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, जिन्होंने कभी मुझको मुसलसल रुलाया था। तो लगभग 2 साल तक मेरी कॉलर ट्यून भी थी ये गजल। गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, जिन्होंने कभी मुझको मुसलसल रुलाया था। गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, गजल पर एक्सप्रेस न्यूज रायपुर से आपका बहुत स्वागत है। मैं तेरा कुछ भी नहीं, पर पूछने दे एक सवाल। मैं तेरा कुछ भी नहीं, पर पूछने दे एक सवाल, पर पूछने दे एक सवाल, क्या दिल में तेरे कभी मुझ पे प्यार आया था, क्या दिल में तेरे कभी मुझ पे प्यार आया था, जिन्होंने कभी मुझको मुसलसल रुलाया था। गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था। चला गया है वो भी देखिए रुला के हमें, चला गया है वो भी देखिए रुला के हमें, चला गया है वो भी देखिए
के हमें देखिए, रुला के हमें, के हमने जिसे हंसना कभी सिखाया था, के हमने जिसे हंसना कभी सिखाया था, जिन्होंने कभी मुझको मुसलसल रुलाया था, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था। बिखर गया ये घर तेरा तो इसमें हैरत क्या, बिखर गया ये घर तेरा तो इसमें हैरत क्या, तो इसमें हैरत क्या, सहाब्रेत पर तुमने क्यों घर बनाया था, जिन्होंने कभी मुझको मुसलसल रुलाया था, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था, गजल पर मेरी उन्हीं हादसों का साया था। तो ये थी आप ही की फरमाइश। तो जयश्री जी, आप है कि नहीं? अभी आप है तो अगर है तो मैसेज डालिए, फिर मैं आपकी फरमाइश गाता हूँ। रंजीत जी तो गा दिया भाई, मैं शुरू में ही। भाई जगजीत जी के बहुत सारी गजलें हो गई और बाकी भी फरमाइश है, तो एक अलग से खास जगजीत जी की गजलों का भी प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें फिर बाकी ये सब फरमाइशें आज भी जो आपने की है वो भी गाऊंगा। तो एक ही एल्बम से भी दो तीन फरमाइश थे, दो मैं गा चुका हूँ। तो अभी एक और दूसरा एक एल्बम था मेरा, रूमानियत गजल्स ऑफ लव एंड लॉगिंग, तो उसमें से एक फरमाइश की है अनामिका जी ने, ये दुबई से जुड़ी है। ये एल्बम जो है वो जीमा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था साल 2000
12 में। शाहिद कबीर साहब की लिखी ये गजल है, और आपको बता दूं कि शाहिद कबीर जो है वो बहुत बेहतरीन शायर थे, और नागपुर के रहने वाले थे। जगजीत जी ने भी उनकी काफी गजलें गाई है। रुमानियत से इस गजल की फरमाइश है, हम भी गुजर माफ कीजिएगा, दस्तक है कि पत्ता कोई, खड़का है कि तुम हो, महसूस हर आहट पे ये होता है कि तुम हो। वेद प्रकाश जी, हिमा मेहता, अशोक गौर जी, दस्तक दस्तक है के पत्ता कोई, खड़का है के तुम हो, दस्तक दस्तक है के पत्ता कोई, खड़का है के तुम हो, महसूस हर आहट पे ये होता है कि तुम हो, दस्तक है के पत्ता कोई, खड़का है कि तुम हो। चापसी तुम हो के सबा है, आती है दबी चापसी तुम हो के सबा है, आंगन में कोई चटकता है के तुम हो, आंगन में कोई फूल चटकता है के तुम हो, महसूस हर आहट पे ये होता है के तुम हो, दस्तक है के पत्ता कोई, खड़का है के तुम हो। कोई नहीं होता मगर होने की रुमा पर, महसूस हर आहट पे ये होता है कि तुम हो, दस्तक है के पत्ता कोई, खड़का है कि तुम हो। Thank you.
अमित भाई आपने जो गजल रिक्वेस्ट की थी वो भी इन्हीं शायर की है, शायद कबीर जी की, तो उसको जगजीत जी के स्पेशल शो में उसको प्रस्तुत करूंगा। मक्ता पेश कर रहा हूँ इस गजल का। सूखे हुए जख्मों को कभी प्यार से शाहिद, बहुत प्यारा शेर है गुलादा शर्मा। सूखे हुए जख्मों को कभी प्यार से शाहिद, कभी प्यार से शाहिद, कोई छू जाए तो लगता है कि तुम हो, झोंका कोई छू जाए तो लगता है कि तुम हो। महसूस हर आहट पे ये होता है कि तुम हो, दस्तक है के पत्ता कोई खड़का है के तुम हो, खड़का है के तुम हो, खड़का है के तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे शुक्रिया इसलिए कि आप लोग मेरी गजलें भी फरमाइश कर रहे हैं, तो जाहिर है उसको उन गजलों को पहले मैं पेश करूंगा, तो वैसे 8 बजे तक ही समय रखा था, लेकिन कुछ देर और कुछ गजलें मेरे एल्बम से भी आपने फरमाइश की है, तो एक दो गजलें और पेश करता हूँ। शुक्रिया ना मैं कभी, और शुक्रिया इस गजल को फरमाइश करने के लिए, मेरी भी बड़ी पसंदीदा गजल है ये। मीर साहब की गजल मेरी एक फरमाइश आपने की है, काफी देर हो गया अभी मुझे याद नहीं किसने की थी, तो ये एहतराम मेरा एल्बम आया था बहुत साल पहले, साल 2008 में टी सीरीज से ये एल्बम था, और सभी लेजेंडरी पोएट्स को इसमें ट्रिब्यूट था, ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी पोएट्स इसका इसकी थीम थी, तो जिसमें मीर साहब, गालिब, मोमी खान साहब, अमीर मिनाई, इब्राहिम जौक, इनकी गजलें मैंने ली थी, तो इसमें से मीर तकी की गजल आपके लिए पेश करता हूँ, आप ये फरमाइश है।
कुछ ही दिन पहले मैंने इस पेज पर ये गजल डाली थी, कुवैत में मैंने इसे गाया था तब वो वीडियो, और उसको भी बड़ा आप लोगों ने पसंद किया था। राजेंद्र जी मेरी गजलें चालू है अभी। मरे पर मपनी मप मपगर मरे सारनी सर। हम खुदा के कभी कायल न थे, हम खुदा के कभी कायल ही न थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, हबाब यानी पानी के बुलबुले को कहते हैं। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, ये नुमाइश शराब कैसी है। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब कैसी है, पंखड़ी एक गुलाब कैसी है, ये नुमाइश शराब कैसी है। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, हस्ती अपनी हबाब कैसी है। अच्छा, भानु प्रताप चौहान जी आपकी फरमाइश थी तो पूरी और किस दिन पेश करूंगा, यह वीडियो आपने देखा ही होगा, कभी वक्त ज्यादा नहीं है, कुछ फरमाइशें पेश करना चाहता हूं मैं जो मेरे अलग अलग एल्बम से है। तो शुभम फटिंग जी की फरमाइश है, ये भी तबला वादक है नागपुर से, हम हो तुम हो एक गजल हो, सदियों जैसा एक एक पल हो। तो फिल्म सियाहत जर्नी थ्रू इमोशंस ये एल्बम मेरा आया था सारेगामा यानी HMV से, और ये एल्बम भी जीमा अवार्ड्स के लिए इसका नॉमिनेशन हुआ था, जीमा 2015 के लिए।
बेस्ट गजल अल्बम कैटेगरी में, उससे ये फरमाइश है साहब की लिखी है गजल है। हम हो तुम हो, हम हो तुम हो, एक गजल हो सदियों जैसा, एक एक पल हो। हम हो तुम हो, देव तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे बदन की खुशबू जैसे, तेरे बदन की खुशबू जैसे, तेरे बदन की खुशबू जैसे, सहरा में महका संदल हो, सहरा में महका संदल हो। हम हो तुम हो, एक गजल हो सदियों जैसा, एक एक पल हो। कर रहा हूं तो और भी लाइव सेशंस होते रहेंगे, और अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, तो सुचिता देशपांडे जी की फरमाइश है, काफी देर से आई है एल्बम रुमानियत से, ये गजल है डॉक्टर बशीर बद्र साहब की लिखी, ये बहुत ही प्यारी गजल है। वैसे बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स में भी मैं अक्सर गाते रहता हूँ इस गजल को। चांदनी भी मेरी तरह,
जाग रही है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। ये बात के सूरत के भले दिल के बुरे हो, ये बात के सूरत के भले दिल के बुरे हो, दिल के बुरे हो, अल्लाह करे झूठ हो। बहुत उसे सुनी है चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। तो रागी दीदी, जगजीत जी की गजलों का एक अलग से मैं सेशन करने वाला हूँ, तब आपकी फरमाइश पेश करूँगा। तो बहुत सारी जगजीत जी की फरमाइश आ रही है उनकी गजलों की, तो कई घंटे तो इसी में निकल जाएंगे। तो एक स्पेशल शो क्या, उसमें भी एक दो पार्ट, तीन पार्ट करने पड़ेंगे शायद। तो बहुत ही जल्द प्लान करके पेज पे पोस्ट करूंगा। हम दिल्ली भी हो आए लाहौर भी घूमे, हम दिल्ली भी हो आए लाहौर भी घूमे, हम दिल्ली भी हो आए हैं लाहौर भी घूमे, लाहौर भी घूमे। ऐ यार मगर तेरी गली, तेरी गली है चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। वो माथे का मतलब के होठों के दो मिसरे, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और जो शेरों की पंक्तियां होती हैं, शेर की जो पंक्तियां होती हैं उन्हें मिसरा कहते हैं। वो माथे का मतलब के होठों के दो मिसरे, वो माथे का मतलब के वो होठों के दो मिसरे, होठों के दो मिसरे। बचपन की गजल ही मेरी महबूब रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे
सितारों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। बाकी कुछ और भी फरमाइश रह गई हैं, और खास तौर पे जगजीत जी की फरमाइशें बहुत हो रही थी, तो एक जल्द ही एक सेशन करेंगे उसके लिए। और बहरहाल मेरा बिल्कुल एक नया एल्बम हाल ही में टाइम्स म्यूजिक ने रिलीज किया है, विरासत द लीगेसी ऑफ लेजेंड्स। तो आपने अगर नहीं सुना तो जरूर इसे सुनिए, इसमें भी लेजेंडरी पोइट्स की लिखी हुई बड़ी बेहतरीन गजलें हैं। तो बाकी बची हुई जो फरमाइशें हैं वो अगले प्रोग्राम में, तो विरासत जो नया एल्बम आया है उससे ये गजल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुछ दिन ही हुए इस एल्बम को रिलीज हुए और कुछ लॉन्च कंसर्ट का भी प्लानिंग हुआ था कुछ, लेकिन जो हालात है इस वजह से अभी से पोस्टपोन करना पड़ा। तो उसमें से ये गजल जो, बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी, तो भानु प्रताप जी ने गजलें, तो उसमें से इमाम बख्श नासिक इनकी ये गजल है। जान हम तुझ पे दिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं, नाम तेरा ही लिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। तेरा भी लिया
करते हैं जान हम कुछ किया करते हैं। जिंदगी जिंदादिली का है ना, जिंदगी जिंदादिली का है ना, जिंदगी जिंदादिली का है ना, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, नाम तेरा ही लिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं। दफ्न महबूब जहाँ है नासिक, दफ्न महबूब जहाँ है नासिक, दफ्न महबूब जहाँ है नासिक, कब्रे हम चूम लिया करते हैं, कब्रे हम चूम लिया करते हैं, नाम तेरा ही लिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं, जान हम तुझ पे दिया करते हैं। विक्रम देशमुख जी, थैंक यू सो मच। शुभदा जी, थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस महफिल में मेरा साथ दिया। तो आपकी बची हुई फरमाइशों के साथ मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी कुछ दिनों में ही प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इस पेज पे पोस्ट करूंगा अगले सेशन के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी फरमाइशें इसमें आई गई है मैसेजेस में, तो अगली बार ज़रूर पेश करूंगा। तो शुक्रिया, गुड नाइट, शबा खैर, और अपना अच्छी तरह ख्याल रखिए, और लॉकडाउन शुरू है तो कहीं बाहर निकल लिएगा मत जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो। थैंक यू, गुड नाइट।